गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज कृति हियर एंड आई ओह माय गॉड गोभी ले मेथी ले बाथू ले सब ले हेलो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस ओह माय गॉड यहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही थी एंड ये बुद्धी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा वाई नॉट यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वैसे भी यार मेरा ना व्लॉग स्टार्ट करने का कुछ ऐसा पर्पज नहीं था कि यार मुझे व्लॉग स्टार्ट करना ही है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कहीं हम जा रहे हैं तो व्लॉग इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मल वीडियोस देखने से ज्यादा ये व्लॉग ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। आज वैसे घूमने नहीं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मेरी शॉपिंग, मुझे अपने इंडियन वियर के लिए शॉपिंग करनी है। फंक्शन आ रहा है अपने घर का ही, तो उसके लिए मुझे जाकर शॉपिंग करनी है। वो आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप अपने आप गेस लगाते रहना। किसी और दिन कोई व्लॉग करूंगी तो उसमें बताऊंगी, तब तक आप गेस करते रहो कि आज किस फंक्शन के लिए इंडियन वियर की शॉपिंग करने जा रही। पहले तो हमारा प्लान ये है कि पहले हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में है, तो वहां पर थोड़ी बहुत अंकु को फोन का कुछ काम है। वहां पे ना पीछे एक मार्केट है मोबाइल वगैरह ठीक कराने की, रिपेयर कराने की, तो दीदी को कुछ छोटा मोटा काम है अपने फोन का, तो वहां पर पहले जाएंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे रजौरी गार्डन। होपफुली जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, एंड अगर नहीं भी मिला तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ स्टिच ही करवाऊंगी। चलिए अभी तो चलते हैं हम नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं रेडी पूरी हो चुकी हूँ एंड ये मेकअप लुक भी मैंने शूट किया जो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। शायद इस व्लॉग से पहले आ जाएगा, अगर इस व्लॉग से पहले नहीं आया तो डेफिनेटली उसके नेक्स्ट डे ये मेकअप बहुत शोर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस व्लॉग के नेक्स्ट डे ही वो वाली मैं शॉर्ट डाल दूंगी। एंड ये विदाउट फाउंडेशन वाला लुक मैंने आज किया है, तो देख लेना। तो अभी तक का तो यही प्लान है, अभी तक मैंने यही किया है। अब आगे जाकर हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, एंड पहले मैंने जो मेस फैला रखा है अपने रूम में वो जाकर संभालती हूँ, देन उसके बाद करने चलते हैं ब्रेकफास्ट। एंड दीदी अभी रेडी नहीं हुई है, दीदी अभी कह रही थी मुझे बताया नहीं, तो रेडी भी होगी, तो दीदी के रेडी होने में थोड़ा टाइम है, 15-20 मिनट दीदी को लगेंगे रेडी होने में, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो मेस भी सारा समेटती है एंड बैग हमारा रेडी है जो हमें लेकर जाना है। एंड मैं आप लोगों को बता रही थी आज का मेरा OOTD तो रह ही गया। वैसे आज मेरा बहुत ही बेसिक OOTD है, बस मेरे को नीचे शूज़ वगैरह पहनने हैं जो भी मैं पहनूंगी, एंड ये वही वाली पैंट है जो मैंने लोरी फंक्शन पे पहनी थी, एंड ब्लैक स्वेटर क्योंकि ठंड काफ़ी कम हो गई है इसलिए अभी मैंने यही पहना है। एंड ऊपर एक जैकेट ले लूँगी अगर ठंड लगी तो पहन लूँगी, ये क्या है, हाँ ठंड लगी तो पहन लूँगी। एंड मेरा वैसे यार रेडी होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जाना है तो थोड़ा तैयार तो होना ज़रूरी है, तो मैंने पोनी वोनी बना ली है क्योंकि बाल भी वॉश नहीं हो रखे थे। एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक डिफरेंस, देखेंगे यहाँ पर एक ईयरिंग है एंड यहाँ पे मैंने ईयर कफलिंग पहने हुए हैं। इसमें बहुत प्यारा सा चांद बना हुआ है, तीन स्टोन लगे हुए हैं इसके बीच में। ये मैंने, अगर आप लोगों को दिख रहा है भाई, ये मैंने ना अर्बैनिक से मंगवाया था एंड मंगवा के मैं कम्प्लीटली भूल चुकी थी इसको, तो आज रैंडमली ये मुझे दिख गया तो मैंने कहा पहन लेती हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए अब फाइनली जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, दीदी को बोलती हूँ दीदी भी रेडी हो जाए एंड मिलते हैं फिर आपसे मार्केट में जाकर। तो आप चूहा बन के क्यों खा रहे हो ऐसे, देखना मुझे मारा ये बिल्ली है, बिल्ली हमारी बिल्ला, हाँ बिल्ली बिल्लोटा है बिल्लो, देखना ऐसे क्यों खा रहा है ये। अभी तो गया, बेटा मासी को दे दो। ओ नहीं आप खाओ, थैंक यू, खा लो, खड़े होके खाओ ना, नहीं आप खाओ ऊपर बैठ के खाओ, यहाँ नहीं वहीं बैठना है। चूहा मेरा, आदू ओ बॉश बॉश, आदू टाडू के साथ हम बैठ के धूप सेक रहे थे, आदू हमारा रोने लग गया, टाइम काफी हो गया, धूप अच्छी निकली हुई है काफी ज्यादा। ब्रेकफास्ट डन हो गया, थोड़ा मैंने धूप में बैठ के किया, थोड़ा अंदर बैठ के खाया एंड अभी वेट कर रही हूँ दीदी का। लड्डू लड्डू जा रहा है घूमी घूमी, ऊपर आओ खड़े हो, लड्डू घूमी घूमी जा रहा है, जा रहा है घूमी घूमी, मम्मा जा रही है और मासी जा रही है,
पुच्ची ज्यादा पुच्ची। ओहो सिफारिश करनी पड़ती है हमें पुच्ची के लिए। चलो बाय कर दो। बाय। बोलो मम्मी मासी जा रही है घूमी घूमी। बाय। लिपस्टिक लग गई लड्डू की। कल मिलते हैं। चलो बोलो मम्मा, मम्मा को बुलाओ, मम्मा बोलो जल्दी आ जाओ, मासी वेट कर रही है। यूं पकड़ो, चलो दूर करो फोन, ऐसे लंबा करो, लंबा इस हाथ से, ये वाला हाथ नहीं, यूं करो यूं। सारा व्लॉग लड्डू करेगा है ना, कुछ ज्यादा ज़ूम नहीं हो गया लड्डू। चलो चलो बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। ये अंकुर का टूटा फोन है, स्टोरी डाल रही हूं अंकुर टूटे फोन से। ये अभी जमा हो अच्छा, मैं बोल आईफोन आ रहा है मेरा। हो जाएगा मैम, 1500 रुपये खर्चा आएगा इसमें। तो डिस्प्ले भी आपकी डिस्प्ले तो जाएगी साथ, स्क्रीन के साथ ही चेंज होती है। हां पूरा चेंज, पूरा ही चेंज होगा ना। फाइनली हम डीसी तो पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हमारा फोन का काम दीदी का हो चुका है। अभी मैं थोड़ी जो नीचे क्राफ्ट मार्केट है, कौन सी मार्केट है, छोटी सी शॉपिंग वाली मार्केट है जहाँ पे लड़कियों को सामान अच्छा खासा मिलता है एंड ज्वेलरी वगैरह सही मिल जाती है, अभी वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे रजौरी के लिए। अच्छा ऐसा भी है क्या? बड़े ले कुछ छोटे लो, बड़े भी अच्छे लग रहे हैं। ये मिलेगा ही नहीं आपको, ये मैंने दो तीन पीस ही बनाए। ये आप खुद बनाते हो ताले? मारे मेरे कुछ बनते हैं, इतने ही माप के लेकर मैं मार्केट से लेके आता, मार्केट की कलेक्शन सेम सेम हो जाएगी। अच्छा ताला लग जाएगा इसके नीचे। ये भी अच्छा है। अभी एयरिंग बनाने के लिए माल लेके आया हूँ, अभी मैं लगा दूँगा। ये लगा दो भैया, ये वाला लगा। मैं यही बना लेता हूँ आपको, ये वाला लगा। ठीक है। मेरा घर करीब है। अच्छा सुनो अंकुर, ये जब पीछे ना यहाँ पे नुश्क पे भी आएंगे, नुश्क पे सेल अच्छी चल रही है वहाँ पे। क्या है ये? कपड़ों की है, अगर वहाँ नहीं मिला ना, कितनी दूर है और नहीं आगे कहीं होगा, मैम देखना पड़ेगा एक बार, थोड़ा सा आगे था, काफ़ी आगे है। चलिए उसकी तो जरूरी, कब शिफ्ट हो गई थी? उसी टाइम पे शिफ्ट हुई थी। ट्वेल्व महीने के हैं इनके पास। वाइट दिखाना। कितने का ये वाला? 350 का है वाला। तो एज यूजुअल जो मैंने आप लोगों को बताया था काम हम दीदी, एज यूजुअल हमें नहीं मिला, पसंद नहीं आया। पसंद तो आ गया, मतलब वो चीज़ नहीं मिली जितने का ये दे रहे थे। मैं खुद ही मतलब लेकर कपड़ा वपड़ा लेकर अच्छा खासा उससे आधे रेट में बनवा लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जा रहा था इनका, और जो मुझे चीज़ चाहिए एग्जैक्टली वैसे मिल तो गई थी, लेकिन मतलब वो बात नहीं आ रही थी मज़ेदार। एंड वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने दी नहीं उन्होंने, फ़ोटो भी अलाउ नहीं थी। तो अभी जस्ट मैंने यहीं पर बैठ के आंटी को फ़ोन किया, टेलर आंटी को, कि आप बताओ कितना कपड़ा लगेगा क्या है। तो अभी सोच रहे हैं थोड़ा मम्मी का देख लेंगे शॉपिंग के लिए,
देन उसके बाद हम जाएंगे तिलक नगर, तिलक नगर कपड़ा लेने जाएंगे। पता चल गया कौन सा लेना है क्या है। अब देखते हैं कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनेगा या क्या होगा अभी, क्योंकि ना एक दो शॉप पे और जगह काटूंगी मैं चक्कर, तो वहाँ कुछ ऑप्शन मिल गया, तो लेट्स सी देखते हैं आगे, आपको अपडेट देते रहेंगे क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। क्या बात है हमको, क्यों शांत हो इतने, हंस क्या रहे हो इतना? तो लेट्स सी क्या ऑप्शन मिलते हैं। कितने का भी है? आधा करवा लो उसको, है ना भैया, इसको आधा कर देना। डोंट क्विक, खाओ खाओ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, जब भी आती हूँ मैं डेट के, मुझे ये भुट्टा तो खाना ही है। आई लव दिस, हमको ये इतना पसंद नहीं है, है ना? नहीं, ओके ओके, मेरा बहुत फेवरेट है। आगे से लिए थे मोबाइल कवर, एक क्रॉस करके लिए थे ना। ये है मम्मा के लिए, ये भी मम्मा के लिए ट्राई करके देख रहे हैं। मैं लेना नहीं चाहती गाउन, वरना मैं ले लेती। ये तो देखो बहुत सूट कर रहा है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ तिलक नगर से खा लेंगे, ये खा लो। मसाला कैसा रहेगा? अच्छे से डाल देना, बढ़िया सा। खट्टे, ऑटो वाला का देखा है नहीं। खाने में लगी हूँ मैं, अच्छा है लेकिन करा रहे हैं। भैया ने पूरी सजा दी, मैरिड जी, मैरिड, एज बता सकते हैं? इट्स अमेजिंग। आलू खत्म नहीं हुए हमारे, आलू निखारी मैं ये खाऊंगी। गजब है ना, ऑटो वाला भी आ गया होगा। चलो मैं तो ऑटो में बैठ के खा लूंगी, ठीक है ऑटो में बैठ के खा लेंगे बाकी। मनोचा पे हम वापस आ चुके हैं। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये भी अच्छा है, इसमें कलर है। ये भैया पैटर्न अलग है, वो अलग है आप कह रहे हो, ये पैटर्न अलग है तो इसमें दिखाओ ना कलर ऑप्शन दिखाओ। कलर ब्लैक के अलावा और कोई नहीं है भैया? ब्लैक नहीं चाहिए, कलर्स चाहिए। अंकु दीदी, हाँ जी, आपको बच्चे के बिना घूमते हुए कैसा लग रहा है? पूरा दिन बीत गया, हम सुबह से निकले हुए हैं, तो आपको क्या फील आ रही है? मजा तो आ रहा है लेकिन... वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, वैसे हम दोबारा से वापस डीसी आ चुके हैं। हाँ बोलो, फोन पिक करने आए हैं ना। हाँ बोलो बोलो, कैसा लग रहा है आपको? अपना एक्सपीरियंस बताइए बच्चे के बिना पूरा दिन। नहीं अच्छा तो लग रहा है, बट आई एम मिसिंग हिम। यहाँ पे आके अच्छे से खेलता, वो हाथ में रहता ही नहीं, फिर हम उसके पीछे नहीं भागते, हम कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाते, जो इतना घूमे इधर से उधर गए वो कुछ नहीं कर पाते, हम सीधा उसी को पकड़ते रहते हैं, इधर से उधर भागते हुए दिखते हैं हम आपको। तो बस वो थोड़ा सा सुकून है और तो अभी तो हमारा पूरा दिन निकल गया, 7:30 कुछ 7:45 हो गए हैं, बस अब फ़ोन पिक करके हम घर ही निकलेंगे और कुछ नहीं करना है। तो फिर घर जाके मिलती हूँ, अपडेट देती हूँ आपको क्या क्या किया आज हमने पूरे दिन। प्रीति मुझे साड़ी गिफ्ट कर रही है,
वो कहाँ है? फंक्शन आ रहा है उसको पहनने के लिए। समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया कुछ मुझे। Our lost treat of the day. ये मेरी नहीं है। अरे इसमें मुझे दो चम्मच क्यों दिख रहे हैं फिर? खा खा के हमने पूरा रच दिया आज। फाइनली हमारी लास्ट ट्रीट है, आज ट्रीट है आज के दिन की। चलो खाओ। कैसे, अच्छा? अच्छी नहीं है, हॉट नहीं है, ठीक है। चलो खा लेते हैं फिर भी। तो देखो कर्फ्यू को कह रहा है, मेरे से भी मिल लो। क्या किया लड्डू? देखना गले कैसे मिल रहा है। हाँ बोलो। हाँ जी, तो आई एम बैक एंड काफी ज्यादा थका भरा दिन था। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ एंड सीरियसली बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। अपने बाल खोल के हाई पोनी बना के काफी ज्यादा, मैं सर दर्द हो जाता है लेकिन मुझे काफी पसंद है हाई पोनी करना। एंड बहुत ज्यादा थका भरा दिन था। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँ, सबसे पहले तो हम गए थे जनकपुरी। आप लोगों को वैसे अपडेट मिल गई होगी, फिर भी मैं बताती हूँ। पहले हम गए जनकपुरी, जनकपुरी के बाद हम गए रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन से फिर हम वापस आए तिलक नगर, तिलक नगर से फिर हम वापस आए जनकपुरी। मतलब लिटरली इतना घूम घूम के, यहाँ से वहाँ घूम घूम के इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना। एंड हमने जो, मतलब आपको पहले ही मैंने बताया था, विंडो शॉपिंग के लिए गई थी। जो मुझे फंक्शन है उसके लिए पहले मुझे आइडिया लेना था कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। तो मुझे उसका तो रफली आइडिया मिल गया, जो मुझे बेसिकली चाहिए था। वो आप लोगों को तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन मैं पहनूंगी कि क्या पहनने वाली हूँ। और अभी तो मैं नहीं डिस्क्लोज करने वाली कुछ भी। एक दो शॉप ऐसी हैं जो मैंने डिसाइड करी हैं, उनसे नंबर भी लेकर आई हूँ क्योंकि ना अभी उनके पास ऑप्शन कम थे। तो उन्होंने कहा कि दो चार दिन में और उनके पास, जैसे कहते हैं ना, स्टॉक आएगा, माल आएगा, तो उनके पास और माल आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो फोटो व्हाट्सएप कर देंगे, रजौरी गार्डन की बात बता रही हूँ ये मैं, तो वो फोटो व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं देखूंगी। अगर मुझे वहां से पसंद आ गया, उन्होंने जो मुझे फोटोज भेजेंगे उनमें से अगर मुझे कोई डिजाइन वगैरह पसंद आ गया तो ठीक है, मैं वहां से ले लूंगी। अदरवाइज एज यूजुअल मैं अपना आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवाऊंगी, क्योंकि मैं आज कपड़ा भी देख आई हूँ, कपड़ा भी पसंद करके आई हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा था मनोजा, हम गए थे अपनी वापस तिलक नगर वाली शॉप पे, तो वहाँ पर मैंने कपड़ा वगैरह भी देख लिया है कि मुझे कौन सा है। तो मेरे दिमाग में ना प्रिपेयर हो चुका है, अगर मुझे रेडीमेड लेना है तो उसके लिए भी मेरे पास है एक ऑप्शन, और अदरवाइज मेरे को स्टिच करवाना है तो उसके लिए भी मैंने, मेरे माइंड सेट में है कि हाँ भाई ये चीज करवानी है, यहाँ से ये मिल जाएगा चीज। तो बस आज का दिन तो फिलहाल यही था, काफी थका भरा दिन था। एंड जनकपुरी से मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी थी, ज्वेलरी की शॉपिंग, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या करी है, क्योंकि बहुत ही सस्ते रेट्स पे, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। आप लोगों ने जैसे देखा ही था, पहले तो मैंने ये ली है, लॉक वाला बना हुआ, ये 100 रुपीज की है ये पूरी चीज। एंड सेकेंड एक सिल्वर में ली है, ये भी कुछ इसमें की सी बनी हुई है एंड इसमें भी लॉक है, तो एक ये चीज ली है, ये भी 100 रुपीज़ की, 100 की 50 की है, आई थिंक 50 की है। और उन्होंने, भैया ने बोला है कि ये काली नहीं पड़ेगी। उन भैया की शॉप से, मतलब मैं बहुत टाइम से जनकपुरी, मैं पहले सबसे ज़्यादा DC में बहुत शॉपिंग करती थी तो वहीं से लेती थी उनकी शॉप से, तो वो मुझे भैया जानते भी हैं। एंड इस लॉकेट के साथ ना, वैसे ये पेंडेंट लगा हुआ था ये वाला, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने उनको बोला था कि चेंज कर देना, तो भैया ने मुफ्त में मुझे ये वाला भी दे दिया। एंड ये मुफ्त का है, ये दीदी को भी उन्होंने दिया मुफ्त में, ये मुझे भी दिया मुफ्त में, तो दो उन्होंने चीज़ें हमें मुफ्त में दे दी हैं और हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। एंड ईयर रिंग्स मैं भर कर लाई हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे हो रही हूँ। जैसे देखा होगा, मैं सरोजनी से चेन लाई थी गले में पहनने के लिए, जंजीर वाली, तो उसके साथ के ये मैं ईयर रिंग्स लेकर आई हूँ। ये आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे पहने हुए, मतलब वीडियो में जब मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी, तो ये लेकर आई हूँ। ये 50 रुपीज़ के हैं एंड ये इसका भी प्राइस 50 रुपीज़ के हैं। एंड ये सारे इयर रिंग्स 50 रुपीज़ के हैं। अब जो मैं दिखाऊंगी वो सबके प्राइस जो है 100 रुपीज़ की इयर रिंग्स है। तो बस काफ़ी लंबा, ये लास्ट का एंडिंग व्लॉग ही काफ़ी लंबा हो गया आप लोगों को ज्वेलरी दिखाने के चक्कर में। तो ये बस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मैं जाऊंगी नीचे, बहुत ज़्यादा थकान होगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी जाके। तो अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे नाम के साथ में एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पे क्लिक
करके एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।